इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो उसके बेसिक फार्मूले हैं, उसका कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम लोग। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन को हम लोग पी से डिवाइड, पी आर टी डिवाइड बाई 100। पी क्या यहाँ पे है? प्रिंसिपल अमाउंट है, या इसको बोलते हैं मूलधन है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या ब्याज की दर है। टी को हम बोलते हैं टाइम, हिंदी बोलते हैं समय। एस आई मतलब साधारण ब्याज। ये बहुत ही मुख्य फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद देखिए अगला फार्मूला है, इसमें है कि मिश्रधन निकालना है तो साधारण ब्याज प्लस मूलधन। देखिए इसको हम लोग एस आई डोनेट करते हैं इसे पी से, तो एस आई बराबर पी आर टी, एस आई का जो होता है फार्मूला होता है, डिवाइड बाई 100 और प्लस पी। यहाँ पे जो है हम लोग पी कॉमन ले लेंगे, तो ए बराबर पी ब्रेकेट में 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला बन जाएगा हम लोग का। देखिए इसे क्वेश्चन दिया है कि 2800 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फार्मूले के हिसाब से। 2800 5 वर्ष का मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 28 और एक गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए 8 3 का 24, 3 2 6 6 2 8, ये जो है इसका 840 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग इसी फार्मूले के ऊपर। इसे अगला क्वेश्चन दिया है कि 600 रुपये का ढाई वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए आईबीओ क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन करेंगे। 600 रेट कितना है? 4% मल्टीप्लाई दी, इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक। इससे कैंसिल कर देंगे इसको तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 रहेगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12 मल्टीप्लाई 5, 12 5 60 रुपया जो है इसका आंसर है। इसे अगला क्वेश्चन दिया है कि 5000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6000 रुपया हो जाएगा। देखिए 6000 हो जाता है, ये अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000 रुपया, मतलब इंटरेस्ट जो है इसका है वो मिल रहा है 1000 रुपया, ठीक है। टाइम दिया है 4 साल और पूछा है आर की वैल्यू। देखिए ये सारी दिया हुआ कितना,